Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you second lesson, geometry second, ninth geometry second lesson, parallel lines. Okay, practice set 2.1 we are taking today. Okay, so first I will explain you some basic tips of parallel lines. The lines which are coplanar and do not intersect each other are called parallel lines. तुम लोगों को पता है कि दो ऐसे lines जो कितने भी आगे बढ़ाओ वो एक दूसरे को intersect नहीं करती है, उसे बोला जाता है parallel lines. Okay? तो चलो देखते हैं. ये देखो यहाँ पे suppose मैंने ये line यहाँ पे मैंने बढ़ाई और दूसरी एक लाइन है वो भी मैंने M लाइन भी यहाँ से बढ़ाई, तो वो आगे कितने भी आगे चले जाए वो इंटरसेक्ट नहीं होगी. और पैरेलल लाइन का जो साइन है वो इस तरह से है. देखिए ये है पैरेलल लाइन का साइन. तो यहाँ पे सपोज हमें लिखना है सिंबॉलिकली, सो वी कैन राइट इट एज लाइन L parallel line M. तो इस तरह से हमने ये देखा parallel lines. अभी हमें देखना है transversal. Transversal अभी suppose दो parallel lines है, line L, line L, और दोनों parallel lines को अलग अलग points में intersect करते हुए एक line चली जाए तो वो जो line है उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल. क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल. वेरी गुड. अ ट्रांसवर्सल इज लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो यहाँ पे लाइन एल एंड लाइन एम जो है उसका ट्रांसवर्सल है लाइन एन. अभी देखो ये ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे कुछ एंगल्स बने हैं. यहाँ पे चार एंगल हैं और यहाँ पे चार एंगल्स हैं. ये सारे एंगल्स अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं. तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं उसके बारे में हमें सीखना है. तो चलो ये जो एट एंगल्स हैं इंटरसेक्शन की वजह से हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं. तो चलो अभी पहले देखेंगे पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल. पेयर्स मीन्स की जोड़ी. अभी करिस्पॉन्डिंग एंगल की कौन कौन सी जोड़ी है? अभी देखो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और हम लोग निकालेंगे उसका एक इंटरसेक्शन. तो अभी हमें क्या देखना है? करेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर. तो यहाँ पे देखो सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है उसे बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल. तो यहाँ पे देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है एंगल ए एंड एंगल ई. ओके, एंगल ए एंड एंगल ई. दूसरा वाला है एंगल बी एंड एंगल एफ. तो ये एंगल एफ. वेरी गुड. एंगल डी एंड एंगल एच. वेरी गुड. एंड एंगल सी. वेरी गुड. तो एंगल सी एंड एंगल जी. तो इस तरह से हमने सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा, इसे बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल. ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों और ये दोनों. तो ये सब हुए हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अभी देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अभी पहले तो ये देखो कि इंटीरियर एंगल्स मीन अंदर के साइड वाले. ये है, ये है, ये है और ये है. ये सारे एंगल्स जो है वो है इंटीरियर एंगल्स.
अभी इसमें इंटरनल एंगल। हाँ हमें सीखना है, हमें क्या सीखना है इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट। अल्टरनेट देखो इंटीरियर अभी एंगल। ओके ओके, अभी तुम लोग मत बोलो, मैं बोलती हूँ। तो एक ये देखो, ये जेड है, ओके, ये एक जेड, ये ट्रांसवर्सल की वजह से होने वाला, ये जेड एक उल्टा जेड बनेगा ऐसा। हाँ एक मिनट। और ये एक जेड उल्टा वाला, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दो, ये पैर और ये पैर, उसे बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी कैसे वो मैं फिगर में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जेड देखिए, हाँ पहला वाला जेड सीधा वाला, तो ये जेड में ये बी एंड एच, तो यहाँ पे सिर्फ टू पेयर्स होने वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, तो वो है बी एंड एच। दूसरी वाली है, उसका मैं उल्टा जेड निकालू सपोज, तो वो है सी एंड ई, तो वो है सी एंड ई। तो इस तरह से इसके हुए टू पेयर्स, समझ में आया? यस टीचर। वेरी गुड। अब ये आगे का पढ़ो, क्या है? अल्टरनेट, एंगल वेरी गुड, एक्सटीरियर एंगल। अभी हमने सीखा था ये और ये जोड़ी जो थी वो थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जोड़ी। अभी जो सीखना है वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स ये देखो, ये वाला, ये सब बाहर के साइड के एंगल है, मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स है। तो उसकी पेयर देखो, ये ए और जी, डी एंड एफ, ये जो पेयर है वो है एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए एंड एंगल जी, एंड एंगल ए एंड एंगल जी। दूसरा है एंगल डी एंड एंगल एफ, डी एंड एफ। अभी हमें सीखना है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अभी इंटीरियर एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो चलो देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो देखो इंटीरियर मीन्स क्या, कि अभी ये है टू पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये इंटीरियर की पेयर हुई, ये और ये भी इंटीरियर का पेयर। तो इसमें देखो एंगल बी एंड ई, दो पेयर्स हैं एंगल बी एंड ई। दूसरा है सी एंड एच, तो यहाँ पे देखो सी एंड एच। इस तरह से हमने देखा कि ये पूरे अलग अलग टाइप्स के एंगल्स, और उसका नाम मैंने बताया। और एक चीज मुझे बतानी है, वो है, रुको, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है फिर भी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ये देखो, ये है लाइन, ये दो पैरेलल लाइंस है, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। अभी देखो कि इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ये दो एंगल की जो पेयर है उसे बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, यहाँ पे भी ऐसी ये जोड़ियाँ रहती हैं, उसे बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे ए एंड सी, बी एंड डी, ई एंड एफ, सॉरी ई एंड जी, एफ एंड जी, एफ एंड एच, ये हुई वर्टिकली अपोजिट पेयर। अभी देखो कि लीनियर पेयर्स के बारे में सपोज हम सीखते हैं। तो वो है, एक मिनट, तो देखो यहाँ पे है
ये लीनियर एंगल, तो ये जो पूरा एंगल होता है, ये देखो ऐसा जो एंगल सपोज ये है, तो ये पूरा 180 का होता है, तो ये दोनों को बोलते हैं लीनियर एंगल पेयर। तो इसमें देखो लीनियर एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, ए एंड डी, डी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड ए। ओके, यहाँ पे चार पेयर और यहाँ पे चार पेयर, ऐसे आठ पेयर जो है वो लीनियर एंगल के हो सकते हैं। लीनियर एंगल होता है पूरा 180 डिग्री का। अभी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ए एंड डी दोनों मिलके हैं 180 डिग्री। ओके, अभी ये जो प्रॉपर्टीज है वो हमें देखनी है, तो पढ़ो सर्वेश, यस टीचर, पढ़ो। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सेकंड, द ओके, एंगल इज लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। वेरी गुड टीचर। कोई दूसरा स्टूडेंट पढ़ो। व्हेन वन पेयर ऑफ, सिद्धू, व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। फोर, व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। फिफ्थ, when one pair of interior angle on one side of the transversal is supplementary, then the other pair of interior angle is also supplementary. वेरी गुड। चलो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अभी पहला जो है वो है अपोजिट एंगल्स। ओके, क्या है, द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। अभी सपोज एक पेयर है यहाँ पे ए एंड सी, वो अपोजिट एंगल पेयर है, सपोज वो कॉन्ग्रुएंट है। हमेशा अपोजिट एंगल्स जो रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ही रहते हैं। तो इन सबके बारे में पहले मैं थोड़ा बताने वाली हूँ कि अपोजिट एंगल्स जो है, एक पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो सारी पेयर जो है अपोजिट एंगल्स के, चारों की चारों पेयर जो है वो कॉन्ग्रुएंट ही रहने वाले हैं। बाद में हम लोग बताएंगे करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसका प्रॉपर्टी है कि करिस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर है वो भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहती है। जैसे कि सी और ए और ई, ये कॉन्ग्रुएंट, तो सारी रिमेनिंग पेयर्स जो है वो भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही रहेगी। अभी हम सीखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। इसमें एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरी भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी। तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ए एंड जी, ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं हमेशा, वो कॉन्ग्रुएंट है तो ये दूसरी पेयर भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी। अभी ये जो है इंटीरियर एंगल्स, लेकिन इंटीरियर एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते हैं, वो दोनों का सम जो है वो 180 आता है हमेशा, मीन्स वो सप्लीमेंट्री रहते हैं। तो ये दोनों का एडिशन 180 है, तो ये दोनों का भी एडिशन 180 ही रहेगा। इस तरह से इसका पूरा प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम लोग ये तुम लोगों को बेसिक समझ में आया पूरा? यस टीचर। हाँ, तो वेरी गुड। तो हम लोग अभी आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।